much back again on the YouTube on my channel or CaseyNeistat Vlogs. Oh sorry, ये get up. मुझे change करना था. I forgot about it. और इस दफा क्यों? क्योंकि रमजान आ गया है. तो रमजान की फजीलत और रमजान की बरकत recording जो है वो हमें अपने आप को थोड़ा सा जो है modify जो है वो कर लेना चाहिए. अपनी routine को, अपनी आदत को, अपने getup को थोड़ा बहुत जो है वो change कर लेना चाहिए इसकी और रमज़ान की फजीलत से भरपूर जो है फ़ायदा उठाने के लिए. क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें फरिश्ते जो हैं मतलब शैतान जो हैं वो जकड़ दिए जाते हैं मुझे ऐसे और बाकी फरिश्ते जो हैं और फरिश्ते पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं, पूरी कायनात में फैल जाते हैं और हर मुसलमान हर जो के रोज़ेदार है उसके लिए जो है वो रहमत के दरवाजे जो हैं और मगफरत के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं. ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है वो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो है आप सब अपने फैन फ्रेंड फॉलोअर्स को जो है वो रमज़ान जो है वो विश करूँ. उसके बाद जो है आप लोगों को जो भी आपने वीडियो देखी है ये है हमारा एक छोटा सा घर के अंदर रूम जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया है प्रेयर्स के लिए. रमज़ान की स्पेशल प्रेयर्स होती हैं क्योंकि रमज़ान में थोड़ी सी जो इबादत की रूटीन होती है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ईयर. उसके अकॉर्डिंग जो है इस वजह से यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया इस दफ़ा कि यहाँ पर अच्छे तरीके से इमाम इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएँ मांगें और अपने जो भी गुनाह हमने किए पूरे साल और उसके अकॉर्डिंग और हम अल्लाह से महफूज होता है. और इस महीने में हम सब लोग इस बात पे श्योर हैं एज ए मुस्लिम हमारा एक बिलीफ है कि हमारा जो है अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मेहरबान है, रहीम करीम है, जो कि हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हम पूरा साल करते हैं बहुत सारे कुछ गलत काम भी होते हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं और उन सबको जो है वो अल्लाह ताला अपने रहमत के सदके जो है वो हमारी मगफरत फरमाए. राइट, तो इस तरीके से जो है हमने ये छोटा सा एक और ऑब्वियसली आई नो दैट हर घर में अपने अपने जो जो भी वसाइल होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो लोग हर प्लान करते हैं कि हमने रोज़े किस तरह गुजारने हैं, किस तरह हमने एक्टिविटीज़ करनी है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़ी महफिलें अरेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डोनेशन, बहुत ज़्यादा ज़कात वगैरह जो भी है देते हैं अपने अपने वसाइल के अकॉर्डिंग. तो ये सब चीज़ें जो हैं एक ये एक कह लेंगे ये रमज़ान का एक हुसन है जो कि रमज़ान का एक सिर्फ ये चीज़ें रमज़ान में ही ज़्यादा जो है नज़र आती हैं. और दो के लोग आउट ऑफ रमज़ान में भी ऐसी हम औसतकात वगैरह करते रहते हैं लेकिन रमज़ान में ये ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा नज़र आती है. यही जो है वो रमज़ान का हुसन है और यही जो है वो रमज़ान की फजीलत और बरकत जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रमज़ान जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो हमें मनाने का जो है वो हमें एक वो भी है क्या उसे कहते हैं एक हुक्म भी है कि हम रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और अपनी जो साल भर की जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज करें और एज़ कम्पेयर टू जो हमारे प्रीवियस ईयर्स की एक्टिविटीज़ हैं उसको चेंज करें सिर्फ हम एटलीस्ट रमज़ान के लिए ताकि हम अच्छे तरीके से जो है रमज़ान की फजीलत से फ़ायदा उठा सकें. तो गाइस ये तो थी एक छोटी सी वीडियो, सिर्फ आप लोगों को रमज़ान विश करना था और अपना छोटा सा सेटअप दिखाना था. और तो अब चलते हैं थोड़ी देर जरा किचन में कुछ मैंने सोचा कि थोड़े आज फर्स्ट रमज़ान है तो एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ ज़रा ख़वातीन की मदद कर दी जाए क्योंकि ख़वातीन की ज़रा काफ़ी हर घर में ख़वातीन बड़ी काम करती हैं इस लिहाज से भी रमज़ान में तो बड़े तमाम किए जाते हैं इफ्तारी के लिए हर घर में एज अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज. लेकिन वो और बात है कि जो अब महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं टॉप पर पहुंच चुकी है. कल सेब लाइन में गया सी 250 रुपये किलो सिर्फ सेब ही मिले हैं तो ये एक अनदर एक सिनेरियो है. पर जो भी अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अच्छे तरीके से रोजे रखने और इसमें इबादत करने की जो है वो तौफीक दे. और एक मैसेज छोटा सा मैं देना चाहूँगा और वो ये कि जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं राइट और मोबाइल यूज़र्स हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि अगर आप मोबाइल की जो यूज़बिलिटी है उसका जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम करें. जैसे लाइक ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं ट्राई किया उसको एटलीस्ट थोड़ा सा रमज़ान में ही थोड़ा सा इसको अवॉइड करें. ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं मैं लेकिन जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू माय ओपिनियन और माय सजेशंस कि रमज़ान के महीने में थोड़ी सी हम चीज़ों को करें थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें और थोड़ा सा अगर ना करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट, सो गाइस चलते हैं अभी हम क्विकली कि आज हम क्या जो है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि आज हम क्या अफ्तारी में बना रहे हैं. तो क्लिप स्लैश टेक ऑर्डर में बी बिकॉज बी यूमरशिप के साथ शॉट्स बाकी हैं.
ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये सारे शॉर्ट जो हैं सिर्फ मेरी आवाज़ों के हैं।